गुड मॉर्निंग एवरी वन एंड वेलकम बैक टू आवर चैनल। ऑस्टिन को वॉक पे लेके आया हूँ और सॉरी मॉर्निंग क्या दोपहर ही हो गई है भाई, दो बज चुके हैं। शिवाना कल रात उसको हमने 11 बजे सुलाना शुरू किया था, 3 बजे तक सोई नहीं वो, मतलब मान लो 4 घंटे सोई नहीं। इरिटेट हो रही है, कभी रो रही है, कभी बातें कर रही है, फिर एकदम से नींद आने लग रही है तो उसको सुला रहे हैं, सो नहीं रही। बहुत इरिटेटेड थी यार रात को, उस वजह से विशाली और मैं भी इरिटेटेड थे, और जब इरिटेटेड होते हैं तो आपस में लड़ाई हो जाती है, तो वही हुआ। अभी भी मुंह सड़ा के बैठी हुई है मेरे से, बट ठीक है कोई बात नहीं। और अभी आज मेरे पास काम है, मतलब इतने दिन से काम था, मैं कर नहीं रहा था, जानबूझ के थोड़ा रेस्ट दे रहा था। आज मैं काफ़ी बेटर फील कर रहा हूँ, तो सोच रहा हूँ वो एक दो काम निपटा लूँ। एक तो अपनी ट्रिमिंग वगैरह कराऊँगा जाकर, प्लस ऑस्टिन की डीवॉर्मिंग की दवाई लेके आनी पड़ेगी। इसकी डीवॉर्मिंग मेरे से ना मिस हो गई थी, तो डॉक्टर के पास जाऊँगा, दवाई लेके आऊँगा। और जो हमारा टीवी गया हुआ था सर्विस सेंटर ठीक होने, वो बिल्कुल ठीक नहीं हो रहा है, वो ठीक होगा ही नहीं। और इनफैक्ट सोनी पे भी शायद अब वो ठीक नहीं होगा, मतलब कंपनी में भी ठीक नहीं होगा, तो इसलिए उस टीवी को मैं वापस लेके आऊँगा सर्विस सेंटर से, और फिर देखेंगे टीवी का क्या करना है। वो आपको पता चल जाएगा एक दो दिन के अंदर अंदर कि टीवी का हमने क्या किया है। तो बने रहिए व्लॉग में, इसका काम करा लेता हूँ एंड फिर घर चल के मिलते हैं। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक। सो आज थोड़ा बेटर फील कर रही हूँ, तो खा रही हूँ छोले भटूरे नाश्ते में, क्योंकि कुछ बनाने का मन नहीं था। और हनी गया उस वॉक पे उसको लेके, तो तब तक मैं खा लेती हूँ, मुझे बहुत भूख लग रही है। तो जो मैंने दो काम बताए थे आज मुझे करने हैं, उनमें से एक तो आज होगा नहीं क्योंकि टीवी मिलेगा कल, तो वो मैं कल लेने जाऊंगा। और ऑस्टिन की दवाई का सवाल रहा, तो दोपहर को नींद आ गई थी, मैं सो गया था, अब उठा तो थोड़ी देर में जाऊंगा दवाई लेने। और इसको भाव नहीं मिल रहे ना, क्यों क्यों रो रहे हो आप? डीयू देख रहे हो कितनी तेज है बच्चे आजकल, कितने तेज मोबाइल पकड़ना। ये देखो मैं वहां बात कर रहा हूँ, तो वहां देख लिए। पीयू आप तो बहुत शैतान होते जा रहे हो। अब मम्मा के पेट में कुछ सीख के आए थे, कुछ बुक्स पढ़ी थी आपने, वहां पे भी टीवी देखते थे, फोन चलाते थे, इंस्टाग्राम देखते थे, वहां पे क्या करते थे? छोटे तो थे सिर्फ, तो यहाँ पे टीवी क्यों देखना है? फोन के साथ साथ क्यों घूमी करनी है? तो अभी मैं निकला था, नीचे आया ही था जस्ट, कि ऑस्टिन की वो डीवॉर्मिंग की दवाई लेने जाना था, स्कूटी पे जाने लगा था, इतने में डैडी आ गए। डैडी कह रहे कि तू गाड़ी ले जा, कहाँ जाएगा वैसे, इतनी कंजेशन हो रखी है अभी तक चेस्ट में, कहीं और खामा खा की ठंड लग गई ना भाई, स्कूटी के चक्कर में कांड हो जाएगा। एक्चुअली गाड़ी में अपनी भी ले जा सकता था, बट फिर वहां पर ना जगह मिलती नहीं है, बट अभी फिर डैडी इंसिस्ट करने लग गए कि नहीं तू स्कूटी पे मत जा, गाड़ी ले जा, कोई बात नहीं, तो देखते हैं ढूंढ लेंगे भाई, पार्किंग मिल जाती है, ऐसी कोई बात नहीं है। मेरा काम भी एक मिनट का है, बस क्लिनिक से फटाफट दवाई लेनी है और घर आ जाऊंगा, तो मैं चलता हूँ। ये देखो गार्ड अंकल ना सो गए हैं, मैंने 3-4 हॉर्न बजा दिए, अभी तक इनको सुना ही नहीं पड़ रहा है, दोबारा बजा कर देखते हैं। ये देखो अब पता चला नींद आ रही थी अंकल को, भाई क्या करे, ये लोग भी बेचारे 8-8, 9-9 घंटे की ड्यूटी करते हैं बैठे बैठे, कोई फोन नहीं कुछ नहीं, बोर ही होता है बंदा बैठे बैठे, तो नींद ही आएगी। क्या हाल है, क्या हो गया इसको? इधर है क्या कोई? या वो ना इस बार मतलब एक महीना ऑलमोस्ट डिले हो गया मुझसे, दो मिनट। हाँ
कोई नहीं, वैसे कंटिन्यू तो उसकी होती रहती है ना? हाँ वैसे होती रहती है, और कोई ऐसा इशू नहीं आया उसको नहीं। तो दोनों खिला दूं? 20 किलो दोनों खिला दूं। ठीक है। जिग 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 स्टे बेटे, अभी दूसरी भी दवाई खानी है, वेट बढ़ रहा है। बड़े बड़े कीड़े हो जाते हैं पेट विच, मनता है नहीं, फिर कीड़े आदि दवाई कौन लेके आएगा बाया जी? खा ले खा ले फटाफट। गुड बॉय गुड बॉय। बिच दो ऑस्टी को। लो बिच, जल्दी खा जल्दी खा। तू तो मगर ही पाती मुंह दे बिच, ये तो खाएगा। सो गाइस, मुझे किचन में दिखे अमरूद तो मैंने सोचा कि चलो इनकी चटनी बनाई जाए, तो बस मैंने अमरूद को छीला, छिलका नहीं उतारा, बीच बीच में हटाए और उसको मिक्सी में डाला, जिसमें मैंने क्या क्या डाला था, अमरूद कटे हुए, हरी मिर्च और अदरक, और उसके बाद मैंने हरा धनिया भी डाला है, और भुना हुआ जीरा, नमक, ये सब करने के बाद ऐसी मेरी चटनी दिखी। रुको मैं आपको दिखाती हूँ, देखिए। अब मैं इसमें कन्वर्ट करूँगी, कन्वर्ट नहीं मतलब ट्रांसफ़र करूँगी, सॉरी। तो ये मैं सारे मिक्सी से इसमें ट्रांसफ़र कर रही हूँ, और ना मैंने बाद में देखा कि मेरा तो कैमरा इधर उधर जा रहा है, फिर मैंने कैमरा हिलाया, तो मैं दिखाती हूँ आपको, वेट करो। सो देखिए ऐसी बनी है मेरी चटनी, और ये बहुत टेस्टी है, आप नींबू भी डाल सकते हो। और मुझे स्ट्रॉबेरीज दिखी फ्रिज में, तो मैंने सोचा खाना खाने के बाद न्यूट्रेला के साथ ज़रा सा ये भी खा लिया जाए, तो मेरे को बहुत मज़ा आया इतने दिनों बाद। ये ना खट्टी सी थी तो बड़ा बैलेंस हो गया, अच्छा लग रहा था, और बहुत दिनों बाद मैंने न्यूट्रेला ऐसे खाया। और ये हमारी पास्ता क्वीन ने फिर से पास्ता बना डाला, इसके अलावा कुछ बनाना ही नहीं आता है, कुछ नहीं बनाना था। ऐसा है, मैं करता हूँ मतलब हम करते हैं अपना पास्ता एंजॉय, और एंजॉय करने से पहले पहले एक आपदा आ गई है, वो आपदा है कि दिया ने पॉटी कर दी है और पास्ता मैंने रख दिया बाहर, कहीं ऐसा ना हो कि पास्ता की बदबू और पॉटी की बदबू, पास्ता की खुशबू और पॉटी की बदबू मिक्स ना हो जाए। एनीवेज ये फालतू की बकवास है, कल देखिए हमारा ब्लॉग फिर से 8 बजे, एंडिंग नहीं करनी। बाय गाइस, सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना, जितना ज्यादा हो सकता है शेयर।